ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷൻ ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഗുസ്തി താരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളോട് അവരുടെ വാക്കുകൾ. जो खुले हम धमकियां दे रहा कि मैं 11 लाख लोगों को इकट्ठा करके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको आप कुछ नहीं कर रहे. हम हाथ जोड़ के बैठे हैं यहाँ पे कि हमें न्याय दे दीजिए इन बहनों को बेटियों को, जो देश की आज इज्जत और मान सम्मान की जो ये लड़ाई लड़ रही हैं उन बेटियों को न्याय दे दीजिए. उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही. आप सभी पत्रकार भी देख रहे हैं हमारा लोगों के साथ कैसे ज़बरदस्ती की जा रही है, यहाँ पर भी हमारे साथ भी. तो मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है, इसमें तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है. और जो महापंचायत महिला महापंचायत का जो समय दिया था 11:30 बजे का, हम यहाँ से अपना नई संसद की तरफ कूच करेंगे. और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा पुलिस प्रशासन से कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे, हमें परेशान ना किया जाए. हम भी इस देश के नागरिक हैं और जो हमारे लोग हैं मैं उनसे भी अपील करूंगा कि हमें शांति बनाए रखना है. पुलिस चाहे बल का प्रयोग करे, चाहे लाठी चार्ज करे, कुछ भी करे, हमें शांति से आगे बढ़ना है. तो आप सभी का जितने भी यहाँ पे आए हैं, इतनी मुसीबतों के बाद भी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपका धन्यवाद. और जो लोग हमारे लिए बॉर्डरों पर बैठे हैं, जो आगे नहीं आने दिया जा रहा, पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जाए, उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि वो अपनी बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं कि उनको न्याय मिले. हम कोई हिंसा नहीं करना चाहते, हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हमारी बेटियों को बहनों को न्याय मिल जाए. और जितने भी किसान संगठन हैं, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, पूरे देश में, मैं उनसे एक अपील करूँगा कि आप टोल टैक्स फ्री करवा दीजिए आज, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा. आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा तो कुछ निर्णय हम पंचायत के बाद लेंगे. अभी यही है कि हरियाणा में टोल टैक्स फ्री हो, पंजाब में. मैं सारे किसान नेताओं से अपील करता हूं कि ये चीज़ होनी चाहिए. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 28 मई को हम नई संसद के सामने महिला सम्मान महापंचायत करेंगे. और बस बार बार यही अपील करते हैं कि शांतिपूर्वक हमें आगे बढ़ना है. 11:30 बजे हम यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे. और जो बॉर्डरों पे रोके गए हैं या उससे भी पहले रोके गए हैं, उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप शांतिपूर्वक आगे बढ़ें, कोई भी हिंसा ना करें. और मैं कहना चाहूँगी कि पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी हमारे किसान नेता हैं, महिला संगठन जो हमारे सामान में यहाँ आ रहे थे, सबको डिटेन कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है. तो एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन हो रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो ये बिल्कुल ही असहनीय है. तो बस बार बार हम ये अपील करते हैं कि गुस्ती फेडरेशन अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह अरेस्ट ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ അടക്കം പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനുള്ള ഗുസ്തി താരങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങളാണ്. അവർ ഒരു കാര്യം തന്നെ പലയാവർത്തി പറഞ്ഞ് പ്രയോജനമില്ലാതാകുമ്പോൾ വീണ്ടും സമരവുമായി കൂടുതൽ ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ്.